श्री कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर महाभारत के सफर को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई। कृष्ण अपने जीवन में कई लीलाएं की और अपने धरती के आखिरी क्षण में भी लीला करना नहीं भूले, और मृत्यु के आखिरी चरण में भी भगवान श्री कृष्ण इस संसार को एक शब्द में बहुत कुछ कह गए। क्या था वो शब्द, इस वीडियो में हम जानेंगे। जब महाभारत के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु का शोक दिखाते हुए युद्ध की भूमि में गई, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्ष उपरांत मृत्यु का अभिशाप दे दिया और कहा, एक माँ के लिए ये पीड़ा असहनीय है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी भी 36 वर्ष उपरांत मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरा भी विचलित ना हुए और मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा, हे माते, आपका अभिशाप मुझे स्वीकार है। गांधारी के श्राप की वजह से जब श्री कृष्ण भगवान युद्ध के 36 सालों बाद द्वारका बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैरों में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई एक मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया, जिससे श्री कृष्ण घायल हो गए। लेकिन जरा को जब पता चला कि तीर मृग को नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को लगा है, तो वह घबरा गया और श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा, हे प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जरा भी विलाप मत करो जरा, ये तो मेरा कर्म फल था, मैंने तुम्हें मारा और तुमने मुझे। जरा, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार, मैंने तुम्हें छिपकर मारा था, तुमने तो बस उसी का ही द्वापर युग में आज बदला लिया है, तुम इस पर जरा भी शोक प्रकट ना करो। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया और द्वापर युग का भी अंत हो गया। लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि श्री कृष्ण भगवान तो एक भगवान थे, तो कैसे एक तीर से मर गए। क्या आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो, नेक्स्ट वीडियो इस विषय पर होगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और कमाल की वीडियो में।